डिंडोरी में बस चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां बस चालक की लापरवाही के चलते यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 20 यात्री घायल हो गए, वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शाहपुरा में मुड़की डैम के पास एक बस हादसा हो गया, जिसमें बस चालक की लापरवाही सामने आई है। हादसे में 20 लोग घायल हैं और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार स्लोक बस जमगांव से डिंडोरी की ओर आ रही थी। घायलों का कहना है कि बस चालक बस चलाते समय मोबाइल पर बात करने लगा, बस अचानक अनियंत्रित हो गई और बस चालक की इस लापरवाही के चलते बस खाई में जा गिरी। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार शुरू हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने सवारियों को बस से निकालने के लिए रेस्क्यू किया और सभी घायलों को 108 व प्राइवेट वाहनों की मदद से जिला चिकित्सालय पहुंचाकर भर्ती कराया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। वहीं घटना की जांच शाहपुरा पुलिस द्वारा की जा रही है। बस ये शाहपुरा से सीधा जवाहर होते हुए डैम बना हुआ जवाहर के पास ये गाड़ी में ड्राइवर जो रहा मोबाइल से बात कर रहा था और सीधे आग सीधे खाई में गिरा दिया है गाड़ी। लगभग करीब सीरियस जो करीब होंगे, करीब 5-6 करीब होंगे, बाकी सभी लोग घायल हैं। बस पलटी है, जिसमें से लगभग 20 से 22 लोग यहां पर आए हुए हैं, कैजुअल्टी में आए हुए हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर है, हालांकि कॉन्शियस है, लेकिन उसको अंदर से काफ़ी गहरे घाव हैं, जिसको मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर करना पड़ेगा। बाकी की स्थिति अभी स्टेबल है और उनका इलाज अभी निरंतर जारी है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।